अनिल गोस्वामी और आप जुड़ चुके हैं अपना लाइव डॉट न्यूज से। दोस्तों जैसा कि आप जान रहे हैं कि प्याज के दाम डॉलर के पार हो गए हैं, बहुत ही महंगे हो चुके हैं, आम लोगों के पहुंच से बाहर है। बिहार में नेफेड और बिस्कोमान के बाद अब पप्पू यादव जी कमान संभाल चुके हैं और वो सरकार की नींद से जगाने के लिए आज बीजेपी कार्यालय पटना में बीजेपी कार्यालय के सामने बैठकर लोगों को 35 रुपए केजी प्याज दे रहे हैं। देखिए वो संवाददाता लोगों को संबोधित करते हुए क्या कह रहे हैं, सुनिए एक रिपोर्ट। इसके घर में शादी होगा 35 रुपए पर 10 किलो प्याज हर उस गरीब के परिवार को देगी। आज भारत सरकार को ये बताना चाहते हैं कि आप जो सिर्फ मंदिर पर 4,000 करोड़ खर्च कीजिएगा, अन्य चीजों पर आप हिंदू मुसलमान या ये जो कांग्रेस की सरकार है जहाँ वहाँ सब्सिडी दे, तो सिर्फ कार्यालय में क्यों कर रहे हैं, लोगों के बीच में क्यों नहीं जा रहे हैं? या लोग हम सब जगह दे रहे हैं, पूरा हमारे यहाँ से शादी में जा रहा है प्याज, उसको यहाँ नहीं रोक रहे हैं। महिलाओं को सस्ता मत समझिए, भारत में आप सब्सिडी दीजिए मुनाखारों पर। आरोप ये लग रहा है कि आप सियासत कर रहे हैं प्याज के बारे में। सर अब तो और लोग भी कर ले, क्या दिक्कत है, ये चोर सब भी कर ले, जो लूटता है, जो दिल्ली भागता है, जो ये पानी पिलाता है वो भी कर ले। आम आदमी आज रो रहा है घर में, बच्ची एक भी महिलाएं आंसू बहा रही है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सरकार की नींद खुल सके और प्याज का दाम गरीबों के पास भी गरीब भी प्याज खरीद सके, ऐसा स्थिति बन पाए, जमाखोरों से सरकार बाहर निकलवाने में सफल हो पाए। बने रहें अपना लाइव डॉट न्यूज के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।